हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इन्वेंट्री वाला चैप्टर। अब इन्वेंट्री होती क्या है, अब आप इसके लिए एग्जांपल समझो। जो भी कोई चीज़ बंदा बेचता है ना, वो उसके लिए वो क्या होती है, इन्वेंट्री होती है। ठीक है, मतलब जो भी वो चीज़ वो बेचता है, जैसे लेट सपोज हमारी मोहल्ले में चिप्स वाला चिप्स बेचता है, तो उसके लिए चिप्स क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है, तो ये आप बेसिक माइंड में फंडा रखो। ठीक है, अब आप चलो यहाँ पे इन्वेंट्री, अब अपन ना थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंटरी की। वो क्या बोलता है, इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज दी एसेट। मतलब सबसे पहला क्या है, एसेट है। और एसेट की क्या डेफिनेशन होती है, दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। मतलब एसेट क्या होता है, जो ये बोलता है कि पैसा हमारे यहाँ पे आएगा। मतलब इन्वेंटरी कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब या तो ये हेल्ड फॉर सेल है, मतलब मैं इसे डायरेक्टली बेच सकता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, फिनिश गुड्स होगा। मतलब आप इसके लिए समझो कि जैसे कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कपड़े बनाने के लिए चाहिए होता है सबसे पहले फाइबर। फाइबर से क्या क्या बनता है, यान। यान से क्या बनता है, फैब्रिक। और फैब्रिक से क्या बनता है, क्लोथ। तो क्लोथ जो हुआ ना, वो हुआ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स या फिर मतलब मैंने बोला जो जो ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग गुड्स होता है ना, तो अब देखो फिनिश गुड्स क्या होता है, देखो फाइबर से क्या बनता है, यान। यान से फैब्रिक, और फैब्रिक से क्लोथ। ये चीज होती है, प्रोसेस हुई। तो अब आप समझो पहले फाइबर, फाइबर क्या होता है, रॉ मटेरियल। यान क्या हुआ, WIP, है ना। गार्मेंट क्या हुआ, WIP। और जो क्लोथ बना ना, वो बना फिनिश गुड्स। ये आपको समझना, मतलब रॉ मटेरियल, WIP एंड देन फिनिश गुड्स। तो हेल्ड फॉर सेल क्या होता है, जो या तो फिनिश गुड्स है, या फिर मैंने मान लो लेट सपोज मैं ट्रेडर हूं, तो मैं डायरेक्टली चिप्स परचेज करता हूं और वही सेल करता हूं, तो वो भी हेल्ड फॉर सेल है। मतलब जिसमें कुछ और चीज नहीं करनी, मतलब वो हेल्ड फॉर सेल है। मतलब जो मैंने रख रखी है फॉर सेल, मतलब वो एज इट इज सेल होनी है। ठीक है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच फॉर सच सेल। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब ये जो फिनिश गुड्स के बनाने के लिए जो प्रोसेस में है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, WIP। जैसे मैंने बताया फाइबर से यान, यान से फैब्रिक एंड फैब्रिक से क्लोथ, ठीक है ना। यान से फैब्रिक और फैब्रिक से क्लोथ, क्लोथ मतलब गारमेंट हो गया एक तरीके से। तो यान और जो फैब्रिक है, यान और जो फैब्रिक है वो क्या है, WIP है। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ठीक है। अच्छा जी, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स सर्विस एंड इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये चीज बोल रहा है जो कंज्यूम हो जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो RM, मतलब ये बात करना चाह रहा है रॉ मटेरियल की, जो कि कंज्यूम हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि मशीनरी नहीं आएगी, मतलब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कभी भी इन्वेंट्री नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने ऑलरेडी डिप्रिसिएशन वाली वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं हम। तो ये कहना चाह रहा है कि रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स प्लस WIP, तीनों मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है, अब क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू कहाँ पे होती है, मतलब इन हाउ इन्वेंट्री इज टू बी मेजर्ड। तो मैंने बोला इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों होता है, विच एवर इज लोअर। अब आप समझो पहले तो NRV क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है। अब देखो आपके स्टडी मैट में NRV को इतने ब्रॉड कॉन्सेप्ट में नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ NRV क्या होता है। लेट सपोज ये मैंने शर्ट पहन रखी है, ठीक है। तो लेट सपोज ये शर्ट मुझे बेचने पे 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 200 रुपए मुझे मिलते हैं, लेकिन उस इस शर्ट को सेल करने के लिए मुझे एजेंट को 10 रुपए कमीशन भी देना पड़ता है। इस एजेंट मतलब जो ये क्या होता है, ये शर्ट जो है मेरी टी शर्ट जो है, ये मेरी टी शर्ट एजेंट के थ्रू अगर मैं बिकवाऊँ, अगर मैं एजेंट के थ्रू बिकवाता हूँ तो मुझे 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन मुझे 10 रुपये क्या होता है, एजेंट को भी देना पड़ता है। तो इसका मतलब NRV क्या हुई मेरी, 200 माइनस 10 रुपये, मतलब NRV होती है, NRV का क्या मतलब होता है, NRV इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मतलब मैं जितने में बेच सकता हूँ माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप क्या माइनस करोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग। मतलब अगर मुझे इस चीज को बेचना है तो कितने रुपए कॉस्ट इंटर करनी पड़ती है, मतलब मैंने इसे बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, टू बी इंकर्ड फॉर सेल। ठीक है, तो मतलब ये होता है आपका NRV। ठीक है, अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन बना रखी है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। मतलब जितनी भी मेरी परचेज कॉस्ट है ना, वो मेरी कॉस्ट है, ऑब्वियसली बात है। मतलब अगर मान लो मैंने चिप्स
₹8 का परचेज किया था, 10 मतलब ₹8 का जो मैंने परचेज किया, तो वो मेरी परचेज कॉस्ट है, ऑब्वियसली बात है ना, है ना। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्राइमरली फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP, मान लो मैंने फाइबर परचेज किया था, फाइबर के बाद मैंने क्या बनाया उसका, यार्न बनाया, तो जो उसके बाद में जो लेबर कॉस्ट लगा, जो बिजली लगी, जो पानी लगा, वो सारी चीज़ें क्या है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये किस लिए इनकर होती है, RM को मुझे फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इनकर हुई, वो भी कॉस्ट है, ठीक है। बस अब इसके अंदर एक हम पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन सी कॉस्ट नहीं आती, तो आप उसमें पढ़ना, उसमें अगर देखो एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एबनॉर्मल अमाउंटेड ऑफ वेस्टेड मटीरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या कहना चाह रहा है कि लेट सपोज इन्वेंट्री बनाने में मुझे अगर 10 लेबर की आवश्यकता है और मैंने 11 लेबर लगा दिए, तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस, जो कि नेचुरली नहीं होता, तो इस वजह से क्यों लगाने पड़े, क्योंकि वो अनस्किल्ड थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना उसको एडिशनल कॉस्ट लगी, वो मेरे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। तो अगर मान लो ₹100 मेरे नॉर्मल कॉस्ट होती है, और लेकिन मेरा खर्चा कितना लगा, ₹110, तो ₹10 विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सारी पार्ट बनती है किसका, सारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पार्ट बनती है ऑफ द इन्वेंट्री, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब जितनी भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है ना, विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल कॉस्ट। ये भी आपको क्लियर हो गया। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड अ कंडीशन, लाइक सपोज मैंने सप्लायर से माल परचेज किया और मैंने फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा दे के वो सामान लाया, तो ये जो फ्रेट था ये जरूरी था इन्वेंट्री को वहां पे लाने के लिए जहां पे वो अभी है, मतलब इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेट इनवर्ड। और फ्रेट इनवर्ड मतलब जो फ्रेट आते हुए माल, जब माल आ रहा था तब लगा, तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, अब देखो कौन कौन सी चीजें नहीं पार्ट करेगी, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, वो है एबनॉर्मल लॉस। इट है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, वो जब इन्वेंट्री आ जाती है ना उसके बाद इनकर होती है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है, जब माल आ जाता है ना उसके बाद से लगना शुरू होती है, तो दैट विल नॉट फॉर्म एवर पार्ट, विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग इन द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मान लो अगर मेरा देखो वर्कर्स की सैलरी, अगर वेजेस मैं दे रहा हूँ, वर्कर्स की वेजेस विल फॉर्म पार्ट, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली कन्वर्जन में हेल्प कर रही है। लेकिन मान लो मेरा एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जो वो अकाउंटिंग करते हैं वो बंदे, तो अब उनकी जो सैलरी है वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या पार्ट नहीं बनी। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि उनकी जो सैलरी वो तो अलग चीज है ना, वो तो उन्होंने हेड ऑफिस में मतलब इंटर करी है। मान लो लेट सपोज वो अकाउंटिंग एंट्रीज डालते हैं, ठीक है, कोई बंदा, तो उसकी जो उसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से रिलेटेड तो ही नहीं, तो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। और सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। अब अपन चलते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें जो इन्वेंट्री बची है क्लोजिंग पे, उसे हम कैसे वैल्यू करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपन को समझना है। तो इसके लिए तीन मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है, एक है लीफो, एक है फीफो, एक है वेटेड एवरेज, है ना। वेटेड एवरेज का एक वेरियंट है सिंपल एवरेज, ठीक है। अब देखो फीफो में क्या होता है, ठीक है, फीफो में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना, तो दो मिनट रुको। आप अभी मैंने आपको समझाया था कि जो इन्वेंट्री वैल्यू होती है वो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे मेजर होती है, और लोअर का रीजन क्या होता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है। कॉस्ट मतलब जितनी भी कॉस्ट लगी वो वाली चीज, और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब अपन कॉस्ट में क्या आता है, देखो आपको मैंने समझाया था विच एवर इज लोअर क्यों होता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है ये चीज, ठीक है। अब आप समझो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मतलब वो हुआ, और NRV आपको समझ आ ही चुका है। अब कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज। अब परचेज जो कॉस्ट परचेज है ना, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, अपन अब वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज, मान लो माल आया, अब उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, मान लो साल में तो मैं बहुत सारा माल परचेज करता हूं, तो अब मैं कैसे वेटेड एवरेज करूंगा, फीफो करूंगा, लीफो करूंगा, कौन सा मेथड लाऊंगा, ये अपन को समझना है, ठीक है। तो अब देखो बड़ा सिंपल है इसे समझना ना। अब देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टडी मटेरियल का, ठीक है। अब देखो स्टडी मटेरियल पे आते हैं अपन। अब
अ मैन्युफैक्चरर हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द परचेज ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स. ठीक है, अच्छा, दिसंबर 4 को उसने परचेज किया, इतनी यूनिट्स परचेज करी और इतना आपने परचेज किया, इतना और परचेज किया. ठीक है, दिसंबर 11 को भी उसने परचेज किया, दिसंबर 19 को भी परचेज किया, दिसंबर 28 को भी परचेज किया और इतना उसके 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th ऑफ दिसंबर. ना, इतनी यूनिट्स आपकी इशू हुई हो गई थी. तो आप समझो पहले टोटल परचेजेस कितनी है, 2600 यूनिट्स है. 2600 यूनिट्स है ना, तो मतलब टोटल परचेजेस क्या है मेरे पास, मैंने अब देखो यहाँ पे देखना, 2600 है मेरे पास और मेरे पास टोटल इशू कितना है. इशू मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन. तो 1600 मेरे पास कंजम्पशन है. ठीक है, 1600 मेरे पास क्या है, कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री है. ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, 1600 मेरे पास कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री है और अब आपको फीफो मेथड से इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना है. ठीक है, अब आप देखो फीफो मेथड क्या बोलता है. फीफो मेथड ये बोलता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो आप समझो अगर मुझे 1600 मेरी यूनिट्स इशू हुई है तो इसमें कौन सी यूनिट्स इशू हुई होगी, ऑब्वियसली बात है 900 तो ये हुई होगी, 400 ये हुई होगी, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था, दिसंबर 4 को 900 आया था. तो 900 जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा. तो मतलब 900 पहले जाएगा, 400 पहले जाएगा, मतलब 900 और 400 कितना हुआ, 1300 और 300 कितना हुआ, 1600 रुपए. मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा. तो 1300 और 300 कितने हुए, 1600 यूनिट्स. तो ये चली गई. तो मतलब अब जो मेरी इन्वेंट्री बची होगी वो किसकी बची होगी, सिर्फ इन दो की इन्वेंट्री बची होगी. आप समझ पा रहे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा. तो अगर 900 पहले आया था तो 1600 के लिए सबसे पहले 900 जाएगा, फिर 400, फिर 400 जाएगा. तो 900 और 400 1300 हो गया और फिर 300, मतलब अब टोटल 1600 जाना है तो मैंने बोला 300 और चले जाएगा. तो अब जो बचा वो क्या बचा, 800 और 200. तो अगर आप देखो टोटल कितना बचा था, 1000, और इन दोनों को आप टोटल करते हो वो भी 1000 है. तो मतलब सबसे लास्ट में जो आया था, वही बचेगा इन्वेंटरी में. अगर मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूं, या तो मैं ये कहूं जो पहले आया था वो पहले जाएगा, और या फिर मैं ऐसा कहूं जो लास्ट में आया था वही मेरी इन्वेंटरी में बचेगा. ये मेरा कॉन्सेप्ट है. तो अब मेरी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन क्या होगी, ऑब्वियसली बात है मेरी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन होगी, अब जो 200 यूनिट्स थी बची, इसकी कॉस्ट क्या थी, परचेज कॉस्ट, इसकी अगर आप देखो परचेज कॉस्ट थी 60 रुपए, और 800 की क्या थी, 47 रुपए. तो जो मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी वो 200 × 60 + 800 × 47 रुपए, ये मेरी परचेज कॉस्ट होगी जिससे मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी. तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. ठीक है, ये वाला आपको समझ आ गया होगा. तो अब आप देखो 49,600 रुपीज. ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था फीफो. अब सिमिलरली क्या होता है, अब लीफो के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे अच्छे से. ठीक है, अब इन्होंने बोला ऊपर वाले एग्जांपल लो, अब जो 1600 इशू हुआ ना उसकी अब इन्होंने हमें डेट दे दी. ठीक है, कि कैसे 1600 इशू हुआ था. अब अपन क्या करते हैं, इसमें फीफो भी लगाएंगे और लीफो भी लगाएंगे. फीफो तो वैसे हमने शॉर्ट में देख ही लिया है, और हम लीफो अब हम अच्छे से समझेंगे पहले. ठीक है, अब आप समझो पहले देखो यहाँ पर, देखो दिसंबर 4 को मैंने परचेज किया सामान. ठीक है, दिसंबर 4 को मैंने कितनी यूनिट्स परचेज करी, दिसंबर 4 को जो मेरी परचेज करी ना मैंने यूनिट्स, वो थी 900 यूनिट्स परचेज करी मैंने दिसंबर 4 को. आप देखो यहाँ पे दिसंबर 4 को मैंने कितनी यूनिट्स परचेज करी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, 2 मिनट रुको, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट कर देता. अब आप देखो दिसंबर 4 को मैंने परचेज कितना किया, मैंने 900 यूनिट्स परचेज करी एट द रेट ऑफ ₹50. तो मतलब टोटल अमाउंट कितना लगा मेरा, 900 × 50 रुपए, तो ये मेरा 45,000 रुपए लगा दिसंबर 4 को मैंने परचेज करी. फिर आप देखो नीचे, अब दिसंबर 10 को यहाँ पे नेक्स्ट परचेज को, लेकिन दिसंबर 5 को मैंने इशू भी कर दिया माल. तो अब देखो फीफो क्या बोलता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. लीफो बोलता है जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, मतलब जो सबसे लास्ट में अमाउंट, लास्ट में जो आया ना वो सबसे पहले जाएगा. अब ये है फंडा. ठीक है, अब आप समझो दिसंबर 5 को क्या हुआ होगा, दिसंबर 5 को मेरे पास इशू हो गया माल. कितना इशू हुआ, मैंने बोला 400 यूनिट्स, नहीं सॉरी सॉरी 500 यूनिट्स इशू हुई ना, 500 ये वाला देखो, ये वाला दिसंबर 5 को आप देखो 500 यूनिट्स इशू हुई. ठीक है, 500 यूनिट्स किस रेट पे इशू हुई होगी, तो ऑब्वियसली बात है अभी तो मेरा फीफो और लीफो में दोनों में सेम आंसर आएगा. क्यों, क्योंकि फीफो क्या बोलता है, फीफो क्या बोलता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा. लीफो क्या बोलता है, लीफो बोलता है अब अपन अगर मान लो, अगर यही मान लो, अगर मैं ये कौन सा मेथड अभी हम फॉलो कर रहे हैं, अभी तो आप जो मर्जी करो, इसमें तो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि अभी तो एक ही परचेज है ना, तो ऑब्वियसली बात है अभी तो डिफरेंस नहीं आएगा. तो अब जो मेरा बैलेंस क्या बचा, बैलेंस ये बचा 900 में से 500 चला गया और 400 यूनिट्स बची एट द रेट ऑफ 50 × 20,000, दिस मल्टीप्लाइड विथ
दिस, ठीक है, ये मेरे पास बैलेंस इन्वेंट्री बच चुकी है। अब आप समझो दिसंबर, अब देखो दिसंबर 10 को मैंने और परचेज किया, दिसंबर 10 को मैंने परचेज किया, कितने यूनिट्स मैंने परचेज किए, 400 यूनिट्स परचेज किए एट दी रेट ऑफ 55, ठीक है। कितने अमाउंट की मेरी परचेजेज है, 22,000 रुपये की परचेजेज है, ठीक है, ये आपका हो गया 22,000 रुपये की मेरी परचेजेज है। अब आपको, अब आप आइए, अब आप देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई होगी, तो मैंने बोला 400 में मेरे पास 400 प्लस हो गया, और जो अब देखो रेट, रेट तो अभी आप रहने दीजिए, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आ गया 20,000 प्लस 22,000 रुपये, मतलब टोटल इन्वेंट्री इतने रुपीज़ की आ रही है, ठीक है। अब आप आओ दिसंबर, दिसंबर 20 के ऊपर, ठीक है, दिसंबर 20 को क्या हो रहा है, दिसंबर 20 को हो रहा है, दिसंबर 20 को क्या हो रहा है, अब माल इशू हो रहा है। अब मेरा, अब ध्यान से देखना, 600 यूनिट्स इशू हुई, अब देखो 600 यूनिट्स इशू हुई है। अब आप समझो जो आपका क्या बोलते हैं फीफो मेथड है और लीफो मेथड में क्या फ़र्क आएगा। अब ये जो 600 यूनिट्स इशू हुई है ना, फीफो मेथड बोलेगा कि ये 400, फीफो मेथड क्या बोलेगा कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा, मतलब अब देखो 900 में से 500 तो पहले ही जा चुका था, मतलब 400 यूनिट्स बची थी, तो मतलब 400 तो ये वाली गई होगी, और जो 200 ये जो नई आई है ना वो गई होगी, तो मतलब कितनी गई टोटल, मतलब 600 में कौन कौन सी गई होगी, 600 में हमने क्या बोला, 600 में कौन सा क्या होगा, अगर मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो 600 में मेरी जो रेट होगी वो कितने रुपये, कितने अमाउंट का मटीरियल, आप समझो 400 वाला तो पूरा चला गया मेरा मटेरियल, 400 वाला तो मेरा पूरा मटेरियल जा चुका है, ऑब्वियस ही बात है ना, 400 वाला तो मेरे पास पूरा, मेरा पूरा मटेरियल जा चुका है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था जो 900 में से 500 पहले इशू हो गया था, तो मतलब 400 यूनिट्स बची थी मेरे पास, ठीक है। अब फीफो मेथड क्या बोलता है, जो पहले आया था, पहले कौन सा आया था, 900 वाला, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है पहले 400, पहले जो बचा हुआ 400 वो इशू होगा, तो मतलब इसका अमाउंट कितना, इतने रुपए। प्लस मैंने बोला जो अब ये जो नया आया था माल, ये कितने यूनिट्स आई थी इसमें, 400, अब ऑब्वियस ही बात है 400 अगर इसमें से इशू हो गया और टोटल मेरा 600 इशू होना है, तो मतलब 200 यूनिट्स मुझे इसकी इशू करनी पड़ेगी, तो 200 यूनिट्स, तो इसका मतलब टोटल मेरा 31,000 का माल इशू होगा। तो एवरेज रेट आप अपने आप निकाल लीजिए, एवरेज रेट जो भी आती है, तो इतना मेरा, इतने रुपए का, ये तो आप छोड़ दो आप, ठीक है, तो आप ये समझो कि इतने रुपए का मेरा वैल्यूएशन होगा एज पर फीफो। लेकिन लीफो मेथड क्या बोलेगा, लीफो बोलेगा कि ये जो 22,000 रुपए है वो क्या बोलता है, जो सबसे लास्ट में आया, अब सबसे लास्ट में कौन सा आया, 400 यूनिट्स आई है, तो 400 यूनिट सबसे पहले इशू हुआ होगा, तो वो बोलेगा 22,000 यूनिट्स मेरी सबसे, 22,000 रुपये का अमाउंट पहले पूरा इशू हुआ है, और फिर वो बोलेगा, फिर जो अब जो बची हुई 200 यूनिट्स है वो क्या, जो पुराना स्टॉक बचा होगा ना वो उससे इशू हुई होगी, तो मतलब ये बोलेगा कि ये वाली, अब देखो अब इसमें जो वैल्यूएशन आ रही है वो आ रही है 32,000 रुपये, और अगर पहले वाले से मैं करूँ तो 31,000 रुपये, तो फर्क क्या पड़ता है, लीफो बोलता है कि जो सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में कौन सा आया, 400 यूनिट आया, तो ऑब्वियस ही बात है जो अब जो इशू हुआ होगा, अगर मैं एज पर लीफो मेथड इशू करूँ तो 400 यूनिट्स इशू हुई होगी, लेकिन फीफो क्या बोलता है, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो एक्चुअल में जो लीफो मेथड है ना प्रैक्टिकली कहीं नहीं यूज़ होता, हमेशा फीफो मेथड यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि फीफो एकदम सही अजम्पशन लेता है, वो बोलता है जो सबसे पहले आया होगा वही पहले गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसमें हम क्या बोलते हैं, लीफो में हम बोलते हैं कि जो सबसे लास्ट में आया होगा ना वो सबसे पहले गया होगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब अब देखो, अब आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 42,000 में से 32,000 का माल इशू हो गया, तो 10,000 रुपए की वैल्यूएशन होगी, और 800 माइनस 600, तो अब 200, अब आप समझो दिसंबर, एक मिनट, दिसंबर 11, अच्छा 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 दो मिनट, एक्चुअल में इस इलस्ट्रेशन में ना, इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, मैंने दिसंबर 10 के बाद सीधा दिसंबर 20 ले लिया, लेकिन दिसंबर 11 की भी परचेजेस थी और दिसंबर 19 की भी परचेजेस थी, तो एक काम करते हैं, हम वापस से ये वाली चीज़ सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से बता दूंगा। आप पहले आप क्या करो, दिसंबर 11 की इन्वेंट्री लो, दिसंबर 11 की इन्वेंट्री इतनी आई, दिसंबर 11 को कितनी इन्वेंट्री आई, दिसंबर 11 को अगर मैं देखूँ तो इन्वेंट्री मेरे पास जो आई वो आई, कितनी इन्वेंट्री आई, 300 यूनिट्स एट दी रेट ऑफ 55, तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास 16,500, अगर मैं टोटल करूँ तो 1100 यूनिट हो गई, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 58,500 रुपीज़, ठीक है, ये आपकी, ये तो आपकी नॉर्मल चीज़ हो गई, ठीक है। अब आप देखो सिमिलरली दिसंबर 19 को क्या आई आपके पास, इन्वेंट्री आई कितनी आई, अब आप देखो तो 200 आई, 200 यूनिट्स आई एट दी रेट ऑफ 60 रुपये, तो ये आपकी वैल्यूएशन हो गई 12,000, अगर आप देखो इसका टोटल, तो ये आपका टोटल आ गया 70,500 रुपये, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, सिंपल देख, 1100 में 200 यूनिट जोड़ी है, देखो 1100 में 200 जोड़ी, और 58,500 जो आ रहा था उसमें 12,000 रुपये जोड़ दिए, तो ये वैल्यूएशन हुआ। अब आप समझो दिसंबर 20 को आते हैं हम, ठीक है। अब दिसंबर 20 को क्या होना है, इशू होना है सामान, दिसंबर 20 को अगर मान लो, अब हम पहले कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड, ठीक है। तो दिसंबर 20 को अगर मान लो 600 यूनिट्स इशू हो रही है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो सबसे पुराना माल है, सबसे पुराना माल कौन सा बताता, 900 में से आप देखो 900 में से 500
500 इशू हुआ था, 500 इशू हुआ था तो मतलब 400 बचा था मेरे पास, 400 बचा था तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये इशू हुआ होगा अगर मेरा फीफो मेथड है। तो मैंने बोला फीफो मेथड में कौन सा इशू, ये वाला चीज़ इशू हुई होगी सबसे पहले, तो अगर आप देखो सबसे पहले तो ये चीज़ ये माल इशू हुआ। फिर मैंने बोला और इस फिर क्या इशू हुआ, अब 200 यूनिट्स और बची है तो अब आप समझो फिर ये वाला माल इशू हुआ होगा, फिर डिवाइड विथ 400 मल्टीप्लाइड विथ 200, तो ये आपका टोटल 31,000 का माल इशू हुआ होगा। और अब आप देखो अगर आप ये इशू की है ना, ये इशू वाले कॉलम में आएगा यहाँ पे, तो इतने का माल आपका इशू हुआ जो कि 13, अब मैं माइनस कर देता हूँ इसे जितना, अब देखो अब क्या वैल्यूएशन हुआ, दिस माइनस दिस, तो मतलब इसकी जो वैल्यूएशन हुई वो कैसे हुई, मैंने बोला सबसे पहले तो देखो 900 में से सबसे पहले 900 में से 500 तो पहले इशू हो चुका था, तो मतलब जो बचा वो 400 माल था, तो 400 इशू हुआ होगा, फिर जो नया माल आया वो कितने, वो 400 यूनिट्स आई, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 600 के लिए सिर्फ 200 यूनिट्स और चाहिए, तो 200 यूनिट्स वो 400 में से इशू हुई होगी। तो मतलब अब देखो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं, तो अगर आप देखो मैंने बोला 400 यूनिट्स की तो जो रेट रही होगी, 400 यूनिट्स की जो रेट रही होगी वो तो रही होगी 50 रुपए, ठीक है, और जो 200 यूनिट्स की जो रेट रही होगी वो रही होगी 55 रुपए, तो टोटल आ जाता है 31,000 रुपए। तो ये मेरी अब 20 दिसंबर, अब फिर दिसंबर 28 को मेरे पास माल और आया, अगर आप देखो तो दिसंबर 28 को मेरे पास माल कितना आया, 800 यूनिट्स आई, कितने की रेट से आई, 47 रुपीज़ से आई, ठीक है। और अब देखो कितना दिस मल्टीप्लाइड विद दिस ना, अब मेरी इन्वेंट्री की क्या वैल्यूएशन हो रही, अगर मैं देखूँ तो इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन हो गई तो वो हुआ 1500 यूनिट्स, और देखो ये आपका 77,100। अब आप समझो दिसंबर 29 को क्या होता है, दिसंबर 29 को मेरा माल इशू हो जाता है, कितने यूनिट्स इशू होता है, 500 यूनिट्स इशू होता है, ठीक है, 500 यूनिट्स मेरी, देखो दिसंबर 29 को माल इशू होता है, अब 500 कौन सा इशू हुआ होगा, अब आप समझो इस 400 में से 200 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, क्योंकि 200 तो हमने पिछली बार दे दिया था, तो इसका मतलब क्या होता है, 200 तो इसमें से इशू हुआ होगा। अब देखो आप ध्यान से देखना, 200 तो इसमें से इशू हुआ होगा, 200, ठीक है, 200 तो इसमें से इशू हुआ होगा, और 300 पूरा इसमें से इशू हुआ होगा, 300 भी पूरा इसमें से इशू हुआ होगा, तो टोटल 500 यूनिट 200 प्लस 300, तो 27,500 का माल इशू हुआ, और आपकी जो बैलेंस यूनिट्स आ गई वो बैलेंस यूनिट्स आई आपकी 500 है ना, तो 1000 यूनिट्स बची है ना, और अगर मैं इसे कर दूँ 77,000 माइनस 100 तो 27,500, तो 49,600 की इन्वेंट्री बची, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखो अगर आप देखो तो 49,600 ही हमने निकाला था है ना, 49,600 यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, 49,600, लेकिन इसमें तरीका बहुत आसान था, ये वाला तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले आप देखो आपके पास बैलेंस इन्वेंट्री इतनी बची होगी, 2600 आपने टोटल परचेज कर दी, 1600 आपने इशू कर दी, तो मतलब ऑब्वियसली बात है 2600 माइनस 1600, ठीक है, 2600 माइनस 1600 मतलब 1000 इन्वेंट्री आपके पास बची है, ऑब्वियसली बात है। अब फीफो क्या बोलता है, जो सबसे पहले आया था माल वो सबसे पहले जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है जो ये 1000 यूनिट बची होगी वो कौन सी होगी, सबसे लास्ट वाली, तो अगर मैं देखूँ सबसे लास्ट वाली कौन सी यूनिट्स बची है, तो 200 इंटू ये वाली 800 और 200 1000, तो 200 इंटू 60 और 800 इंटू 47 ये वैल्यूएशन होगी। सिमिलरली अगर आप देखो लीफो मेथड का शॉर्टकट रहना, अगर आप मान लो अगर ये इलस्ट्रेशन मुझे लीफो मेथड में सॉल्व करनी पड़ती, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे ये इलस्ट्रेशन है ना, अगर मुझे लीफो मेथड में सॉल्व करनी पड़ती तो मैं कैसे सॉल्व करता, अब देखो ध्यान से देखना, अब आप समझो कि अगर यही चीज़ लीफो मेथड में होती तो लीफो मेथड में पहली दो एंट्रीज तो सेम रहती, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी तो एक ही परचेज हुई है, वो तो लीफो मतलब ये तो तब इंपैक्ट आता ना जब आपकी दो तीन परचेजेज हो, तो तब हम देखेंगे कि सबसे लेटेस्ट वाली में से इशू होगा, ठीक है। अब आप देखो लीफो मेथड में क्या होगा, लीफो मेथड में क्या होगा, तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो 900 में से 500 तो उसी समय इशू होगी है ना, 900 तो 500 तो उसी समय इशू होगी, फिर आपने 400 परचेज करी, 300 परचेज करी और 200, और फिर आपने 600 इशू करी, अब इस इशू की वैल्यूएशन कैसे होगी, अब लीफो बोलता है जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे फर्स्ट इशू होगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा आया था, सबसे लास्ट में आया था 200 यूनिट्स, तो मतलब सबसे पहले 600 में 200 यूनिट्स तो ये इशू होंगी, फिर 300 यूनिट्स और इशू होंगी ये वाली, फिर आप देखो 22,000 जो ये वाली यूनिट्स है ना, ये तो टोटल 400 यूनिट्स का प्राइस है, अब लेकिन हमारे को कितनी और चाहिए, हमने बोला 200 पहले हो रही थी, 300 और हो रही, मतलब 500 तो पहले इशू हो रही, अब 100 और चाहिए, मतलब डिवाइड विद 400 इंटू 100, मतलब इसकी जो वैल्यूएशन हो रही वो कितनी हो रही मेरे है ना, वो हो रही 34,000 रुपए से वैल्यूएशन। अगर आप देखो इसका कैसे वैल्यूएशन होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे लास्ट माल आया है ना वो सबसे फर्स्ट जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है लीफो मेथड का। तो लीफो में कैसे वैल्यूएशन हुई आपके पास, लीफो में वैल्यूएशन हुई आपके
आपके पास अगर आप देखो तो इतनी, फिर आपने देखो परचेजेज हुई तो ये तो सिमिलर है, ये तो परचेज आपका प्लस होता गया। फिर आपका क्या हुआ अगर आप देखो तो लीफो में अब 500 यूनिट्स इशू हुई है। अब 500 कौन सी इशू हुई होगी, ऑब्वियसली बात है जो सबसे लास्ट आई है। अब सबसे लास्ट कौन सी आई है अगर आप देखो तो दिसंबर 28 को सबसे लास्ट आपकी परचेज आई है, तो दिस डिवाइड विथ 800 × 500 ये आपकी इशू हुई होगी, तो 23,500। अगर फिर आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ रही होगी ये 50,600 रुपये आ रही होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आ रही होगी आपके पास, मतलब जो देखो अब देखो अगर आप इसका टोटल करो ना तो 20,000 ना, अगर आप ध्यान से देखो इसका टोटल करो आपके पास तो 20,000 प्लस क्या बोलते हैं 16,500 और 16,500 प्लस है ना 14,100। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो ये आता है 50,600 रुपये जो यहाँ पे वैल्यूएशन आ रही है। तो आपको समझना क्या पड़ेगा, आपको समझना ये पड़ेगा कि जो लीफो मेथड होता है ना उसमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट में माल आया होता है ना वो सबसे फर्स्ट इशू होता है। जैसे अब देखो 600 यूनिट कैसे इशू हुई, 200 यहाँ से इशू हुई, 300 यहाँ से इशू हुई, अब आपको उल्टा चलना है और 400 में से 100 इशू हुआ तो 400 में से 100 की जो प्राइस है वो हटा दो आप, ठीक है वो आप हटा दो तो जो बैलेंस बचा वो आ गया आपके पास। सिमिलरली अब आप देखो अगर 500 इशू हुई है, अब देखो आपका ये जो सॉरी ये इशू कॉलम में आना चाहिए, ये 500 जो था ये इशू कॉलम में आना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये जो 500 इशू हुआ है ना इसमें 500 में कौन सा इशू हुआ होगा, सबसे पहले ये 800 वाला इशू हुआ होगा, तो जो इसकी वैल्यूएशन हो रही है ना वो 800 वाली डेट के हिसाब से हुई होगी। तो ये हमारा लीफो मेथड भी हो जाता है। अब अपन चलते हैं, एक तो है सिंपल वेटेड एवरेज, वो तो बहुत ही आसान है। फिर दूसरा अच्छा मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड, वो मैं आपको समझाता हूं उसमें क्या होता है। अब देखो वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज में क्या होता है हर बार ना रेट रिवाइज होती है, वो बताता हूँ मैं कैसे होती है। जैसे 900 का 50 रुपये का माल परचेज किया और 500 यूनिट्स इशू हुई तो 400 × 50 के हिसाब से 20,000 रुपये का माल बचा। अब मैंने 400 यूनिट्स परचेज करी एट दी रेट ऑफ 55 जिसका टोटल अमाउंट बनता है 22,000 रुपये, तो अब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितनी हो रही 800 यूनिट्स हो रही और जो मेरा टोटल क्लोजिंग वो जो वैल्यूएशन हुआ वो 42,000 रुपये हो गया। तो अब क्या होगा मेरी जो रेट हो रही ना वो रिवाइज हो जाएगी, वो हो जाएगी 52.5, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने एक और एसेट परचेज किया तो अब जो मेरी रेट हो जाएगी वो होगी दिस डिवाइड विथ दिस, तो ये हो जाएगी 53.18182, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर आप देखो 70,500 डिवाइड विथ 1300, तो अब देखो ये जो 54.23077 लास्ट में जो आया ना, अब जो ये 600 रुपये का माल जो है ना ये वाली जो चीज़ इशू हो रही ना वो किसके ऊपर इशू हो रही, ये जो 600 रुपये इशू होगा तो ये जो लास्ट वेटेड एवरेज आई है ना, जो ये जो लास्ट वेटेड एवरेज है इसके ऊपर इशू होगा। तो इसका मतलब जो अब जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी ना वो कितनी बचेगी, दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो अगर मैं देखूँ 37,961.54, तो इसकी भी अगर मैं देखूँ तो एवरेज रेट क्या आएगी वही वाली। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, एट एवरी परचेज द वेटेड एवरेज रेट विल चेंज बट एट एवरी इशू वेटेड एवरेज विल रिमेन सेम। देखो हर परचेज पे अगर आप देखो हर परचेज के टाइम पे आपकी वेटेड एवरेज थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे 52.5 53.18 है ना, लेकिन जब मैं इशू कर रहा हूँ माल तो वो किस रेट पे इशू होगा जो आपकी अभी की लेटेस्ट वेटेड एवरेज रेट है ना। तो मतलब मैंने एक लाइन ने भी क्या बोली, मैंने बोला एट द टाइम ऑफ द परचेज वेटेड एवरेज विल चेंज बट एट द टाइम ऑफ इशू वेटेड एवरेज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो मतलब परचेज के टाइम वेटेड एवरेज चेंज होगा लेकिन और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो आप सिमिलरली जब आपने नया माल परचेज किया तो अब आपके पास इन्वेंट्री टोटल कितनी होगी 1500 और आपकी जो एवरेज रेट आ गई वो कितनी आई 50.37436। जब आपने ये माल इशू किया 500 यूनिट्स तो आपने जो रेट यूज करी वो यूज करी ये वाली रेट, तो आप जो आपकी जो इन्वेंट्री लास्ट वैल्यूएशन बची होगी वो भी इसी रेट पे हुई होगी। तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यही वाली जो ये वेटेड एवरेज का जो मेथड बता रहा था ना मैं आपको, ये रहा वो वेटेड एवरेज का मेथड, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, एट दी टाइम ऑफ एवरी परचेज योर वेटेड एवरेज रेट विल चेंज, क्योंकि उसमें मैं क्या करता हूँ पुरानी जो वैल्यूएशन आई ठीक है और पुरानी यूनिट्स वो जो रेट आ रही थी वो, और मैं पुरानी यूनिट्स में नई यूनिट्स ऐड कर देता हूँ, पुराने अमाउंट में नया अमाउंट ऐड कर देता हूँ और फिर नई वेटेड एवरेज रेट निकाल देता हूँ। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज रेट का। और एक और एवरेज होती है, वो होती है सिंपल एवरेज। वो सिंपल एवरेज क्या होती है, सिंपल चीज होती है। सिंपल एवरेज में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी टोटल परचेजेस जो आई आपकी कितनी परचेजेस हुई 1 2 3 4
और 5, 5 25 हज़ार आपके टोटल। और आपने क्या किया, अब आपने अपनी प्राइस का एवरेज ले लिया, आपने देखा ये मेरी प्राइस का एवरेज है, तो 267 / 5 है ना, तो आपने देखा इतनी प्राइस का मेरा एवरेज प्राइस है। तो अब आपने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करा इसका, इसमें क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 1000 रुपीज़, तो आपकी जो वैल्यूएशन आ गई वो आ गई 53,400। तो सिंपल एवरेज में क्या होता है, जितनी भी परचेज, इसमें हम वेट नहीं असाइन करते। अब देखो आप इस वाले में तो क्या हो रहा है, हम क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं वेट्स असाइन कर रहे हैं, लेकिन सिंपल में क्या होता है, हम केवल प्राइस का समीशन लेते हैं और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, उससे हमारी एवरेज प्राइस आ जाती है और उस एवरेज प्राइस को हम यूज़ करके इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी एवरेज प्राइस आई 53.4, तो अब हमने क्या किया, इसी से हमने 1000 यूनिट्स का इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर दिया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट, जो ये देखो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हो जाती है सॉल्व हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको समझा दिया 53.4 वाला फंडा जो अभी मैंने आपको समझाया, तो हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाते हैं यहाँ तक।